नमस्कार दोस्तों, आज मैं सुनाऊंगी धर्मराज जी की पावन कथा, अच्छे कर्म का नतीजा फिर भी दुख क्यों। आइए जानते हैं यह कहानी। आप लोग अगर धर्मराज जी की और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर डली हुई है, जरूर सुनिएगा। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक आदमी ने एक संत से सवाल किया कि महात्मा जी, आप यह बताइए कि कोई ऐसा आदमी जो कभी भगवान की पूजा पाठ नहीं करता, बुरे कर्म करता है, तो भी उसके साथ अच्छा ही होता है हमेशा, उसके पास धन दौलत और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है, ऐसा क्यों होता है? और जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर भी वह परेशानी में रहते हैं, आखिर ऐसा उल्टा ही क्यों होता है? उसकी बात सुनकर संत ने कहा, देखो, अगर कोई भरा पूरा रह रहा है, अपने घर गृहस्थ में सुखी है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, वह सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा है, उसके पीछे भी उसके कुछ किए गए छोटे मोटे पुण्य ही काम आते हैं, और ऐसे लोग थोड़े पुण्य से ही पाप आचरण वगैरह करते हैं तो भी उनके पुण्य काम आ जाते हैं, और उसी पुण्य को उसे पहले दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, आगे चल के उसे भी दुख झेलने पड़ेंगे। उससे पुण्य पहले दिए जा रहे हैं ताकि उसके कर्मों के अनुसार उसे पाप का पुण्य पहले मिल जाए और पाप का भागी उसे बाद में होना पड़े, इसीलिए उसको पुण्यों का सुख देकर पुण्यों को नाश किया जाता है। अब जो पुण्य बचे थे थोड़े, वह भी उसे सारे दे दिए जाते हैं। अब क्योंकि वह एक अधर्मी है, पाप आचरण करने वाला है, तो वह और पाप किए जाता है, लेकिन उसका पुण्य का दौर चल रहा होता है, इसीलिए उसे कोई तकलीफ नहीं होती, और हम लोगों को लगता है कि वह पुण्य किए बिना ही अपने जीवन में सुखी है, कोई उसे कष्ट नहीं है, और जिस दिन उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, उस दिन उसकी बर्बादी को कोई नहीं रोक सकता। फिर उस संत ने उस आदमी से कहा कि ऐसी ही एक सच्ची कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। बहुत समय की बात है, एक जमींदार था, वह हाथों में बंदूक लिए लोगों के साथ चलता रहता था, और वह पूरे गर्व और घमंड के साथ पाप आचरण करता रहता था, और किसी को भी कुछ नहीं समझता था। एक दिन एक गरीब ब्राह्मण की संपत्ति उसने हड़प ली। वह गरीब ब्राह्मण उसके घर गया और हाथ जोड़कर उसके प्रणाम करके बोला, ठाकुर साहब, आप तो बहुत अमीर हैं, आप यहाँ के ठाकुर हैं, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरी जमीन छोड़ दीजिए, उसी जमीन से मेरा घर चलता है, मेरे बाल बच्चे पलते हैं। उस ब्राह्मण ने उस जमींदार के पैर पकड़े, पैरों पर गिर पड़ा और रोने लगा, पर उस जमींदार ने उस ब्राह्मण को खूब गालियाँ दी, उसे धुतकारा और उसको उसके महल से निकाल दिया गया। कुछ दिनों बाद ठाकुर के कुल में उसे पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि उस घटना के कुछ दिनों बाद उसका बड़ा बेटा बहुत गंभीर बीमारी से पीड़ित होकर मर गया, दूसरा लड़का पागल हो गया और वह जमींदार लुट गया, बर्बाद हो गया, उसका सारा धन दौलत उन्हीं के इलाज करने में बर्बाद हो गई। जहाँ उसके आगे आगे लोग बंदूक लेकर चलते थे, उसके हाथ जोड़े खड़े रहते थे, आज उस जमींदार को पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं रह गया। जब वह मरा तो उसकी चिता को अग्नि देने वाला भी कोई नहीं था। इसके पीछे भी एक रहस्य है, जब आपके किए गए पुण्यों का फल तुरंत ही मिलता है तो उसके पीछे भी किए गए पाप कर्मों के पहले फल जरूर दिया जाता है, जो कि हमारे पिछले कर्मों के फल के कोई रूप में आता है, और हम समझते हैं कि हमारे पाप से कुछ नहीं हो रहा, पाप किए जाते हैं, लेकिन उन किए गए पुण्यों का फल खत्म होते ही हमारे बुरे दिन शुरू हो जाते हैं, और जब आप अच्छे कर्म पुण्य करते हैं तो आपके पाप कर्मों के पहले ही आपको अच्छे कर्म पुण्यों का ही फल मिलता है, जिन कर्मों के फल से आपके सारे पाप खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आप धर्म का साथ दे रहे होते हैं, प्रभु का नाम जप रहे होते हैं, इसीलिए आपके वो सारे दुख भी उन्हीं में झेल रहे होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है प्रभु का नाम लेते लेते पाप कर्म किए थे। जब आपके पाप खत्म हो जाते हैं और सिर्फ पुण्य ही बचते हैं, उस समय आप अच्छे कर्म ही कर रहे होते हैं, इसलिए भगवान
आपको हमेशा अच्छा ही फल देते हैं। इस तरह आप अपनी जिंदगी में विजय प्राप्त कर लेते हैं और अंत में स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। भगवान धर्मराज भी इसी प्रकार सभी के पाप और पुण्य के लेखा जोखा रखते हैं और इसी के अनुसार उन्हें दंड देते हैं और अंत में मोक्ष की प्रदान करते हैं। अगर आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, नहीं तो आपको घोर दंड झेलने पड़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धर्मराज जी की अन्य कथाएं भी मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है। पूजा पाठ से रिलेटेड हर एक वीडियो मैं अपने चैनल पर डालती हूँ, आप लोग जरूर देखिएगा। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।